हमास पिछले एक साल से लगातार कई डिजिटल करेंसीज को कन्वर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में, और वो इस्तेमाल कर रहा है उस युद्ध में जो वो इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है। जो 6 अक्टूबर को ये युद्ध शुरू हुआ था, इसराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनके पास अब जांच में ये सामने आया है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए न सिर्फ हमास बल्कि पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्ला को करीब 4.1 मिलियन डॉलर, अगर हम भारत में इन पैसों की बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो गाजा की करेंसी एक्सचेंजेस में ट्रांसफर किया गया है, ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है। यही नहीं, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी कई मिलियन रुपए जो है, जो पैसा है वो हमास को ट्रांसफर किए। तो ये क्रिप्टो करेंसी दरअसल है क्या? ये एक चैनल है जिसके जरिए जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है। पहले हमने देखा था कि जब भी कोई आतंकवादी रिलेटेड गतिविधियां होती थी तो उसमें हवाला के जरिए जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता था। ये एक नई बात सामने आई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है उनका ये दावा है कि 2019 में एक हमास का कमांडर जो है वो मारा गया, उसके नोन हवाला नेटवर्क से वो जो है वो पैसा ट्रांसफर करता था हमास मिलिट्री विंग को, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसके बाद एक और जो कमांडर है पैलेस्टाइनियन टेररिस्ट बिजनेसमैन का एक नाम सामने आ रहा है जिसने ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है हवाला से डिजिटल करेंसी में इसे ट्रांसफर कर दिया, और जो ये पैसा है अब ये डिजिटली मूव हो रहा है एक देश से दूसरे देश। तो ये वॉलेट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, इसमें जो वॉलेट क्रिएट करने वाला होता है उसकी आइडेंटिटी रिवील करना लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेट डिजिटली करता है, इसलिए जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रॉस बॉर्डर भी की जा सकती हैं, उनका पता लगाना मुश्किल है, और जो पेमेंट्स हैं वो बहुत इंस्टेंट होती है। इस करके क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है वो खूब हो रहा है, ऐसा इसराइल का दावा है। अब इसकी जो जांच है ना सिर्फ अमेरिका कर रहा है बल्कि इसराइल भी कर रहा है इस मामले की जांच। इसे लेकर अभी तक सामने आया है कि 4.1 मिलियन डॉलर्स जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ है गाजा की करेंसी एक्सचेंजेस में। ये भी दावा किया जा रहा है इसराइल फोर्सेस द्वारा कि 2020 में जो क्रिप्टो है मेन सोर्स था पैसे का जो ट्रांसफर हो रहा था तेहरान और हवाला ऑपरेटर्स के बीच में। यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि तेहरान जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, ना सिर्फ मिलिट्रीली भी बल्कि साथ में फाइनेंशियली भी, और साथ में बाकी देशों को भी बोल रहा है कि जो इसराइल द्वारा जो युद्ध किया जा रहा है, जो अटैक्स किए जा रहे हैं उसे कंडेम करना जरूरी है। तो तेहरान यहाँ पे एक अहम भूमिका निभा रहा है। यही नहीं, 2021 में भी इसराइल नेशनल ब्यूरो ऑफ काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, उन्होंने 7 ऑर्डर जो है ऐसे सीज किए थे जिसमें ये सामने आया था कि जो क्रिप्टो फंड्स हैं वो गाजा एक्सचेंजेस को भेजे गए थे, यानी ट्रांसफर किए गए थे डिजिटली। यही नहीं, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ काउंटर टेरर फाइनेंसिंग है उसने ये भी पता लगाया था कि जो लार्ज चंक्स ऑफ मनी है वो हमास को भेजे जा रहे थे, जो हमास है उन्हें ऑनर कर रहा था, और फिर उनके जरिए ही जो गोला बारूद बम एयरक्राफ्ट जो है वो खरीद रहा था, ये जांच में सामने आया है। तो ये डिजिटली ये मामला जो है अब ये सबूत सामने आए हैं इजरायली फोर्सेस द्वारा। यही नहीं, जो ग्लोबली एक बॉडी है, ग्लोबल इंटरनेशनल बॉडी है जो ट्रैक करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनफैक्ट उसने भी कई नेशंस को क्रिप्टो एसेट्स को लेकर वार्न किया था और बोला था कि ये किस तरह से सेफ हेवन बनते जा रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर क्रिमिनल्स टेररिस्ट के बीच में, तो इस पर निगरानी रखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये जो क्रिप्टो एसेट्स हैं काम करते हैं, क्रिप्टो चेन्स जो है बेशक से ओनर्स तक कई बार जो है वो ट्रैक हो जाती है, कई बार वो जो है वो बेनामी भी रहती है, और उन्होंने ये भी बोला था कि जो टेरर ग्रुप्स हैं वो आज भी ज्यादातर कैश बैंक्स, शेल कंपनीज और चैरिटीज का इस्तेमाल करते हैं किसी भी आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए। क्रिप्टो जो है वो बहुत ही एक छोटी 5% का हिस्सा है किसी भी आतंकवादी की फंडिंग के लिए, ये एक यूएन की रिपोर्ट है, ये 2022 की रिपोर्ट थी। हालांकि इस साल 2023 में इसकी जो संख्या है वो बढ़कर 20% हो गई है,
लेकिन जो जानकार है जो क्रिप्टो करेंसी में जो हमारे भारत में भी जो एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि जो क्रिप्टो चैनल्स हैं उन्हें आप ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का ऑपरेट करना है, चैनलाइज करना है, तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट एक देश में भी होना जरूरी है और दूसरे देश में भी होना जरूरी है। तो ऐसे में आप ओनर तक पहुंच सकते हो। इस करके जो हवाला ऑपरेशंस है वो अभी भी ज्यादा लोग उस पर डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि उसे ट्रैकिंग जो है वो उसकी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। साथ में जो इस तरह के जो जानकार है जो बारीकी से नजर रखे हुए हैं, जो ये युद्ध चल रहा है, जो ये वॉर चल रही है, उसमें उनका ये कहना है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, कोई अगर इस तरह का क्रिप्टो करेंसी कोई भी अगर नेटवर्क मूव करता है या कोई भी ट्रांजैक्शन मूव करता है, उनके इंटरनेट गेटवेज में ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि वो किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी का जो गेटवे है या फिर कोई अकाउंट मूव हो रहा है या कोई पैसा मूव हो रहा है उसके बारे में वो लोग जान लेते हैं। ऐसे वहां पे सुरक्षा के इंतजाम है। इनफैक्ट उन्होंने कई ऐसे अकाउंट्स को ओपन भी किया है इस करके, क्योंकि उनके पास ऐसे कई चेक्स और बैलेंसेस है जहां तक क्रिप्टो करेंसी की मूवमेंट का सवाल है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर हमास पिछले एक साल से इतना सारा पैसा जो है वो ट्रांसफर हो रहा था, चाहे वो तेहरान के जरिए हो रहा था या किसी और देश से हो रहा था, तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस को आखिर इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तो आज मेरे साथ इतना ही क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगले हफ्ते मैं आपको फिर से मिलूंगी किसी एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।